हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर या डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 4, जिसका नाम था एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। तो डबली रेनफोर्स्ड बीम कहते किसको है, क्या नीड है, क्यों नीड आया उसका, और उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, वो सारी बातें हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने एफएससी पे क्लास छोड़ा था, तो हमने एफएससी पे ही चर्चा करना स्टार्ट किया। तो एफएससी हमने बोला था स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन स्टील विच डिपेंड्स ऑन आइदर ईएससी और डी-डी। मतलब एफएससी का जो वैल्यू है वो ईएससी और डी-डी पे डिपेंड करता है ना। और डी-डी आपका क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे डी-डी आपको पता है प्यारे बच्चों क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कंप्रेशन स्टील टू एक्सट्रीम फाइबर ऑफ कंप्रेशन जोन। डी क्या है बच्चों, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। ईएससी क्या है बच्चों, ईएससी है स्ट्रेन एट कंप्रेशन स्टील। पहले बच्चों कंप्रेशन स्टील में कितना स्ट्रेन है वो ईएससी है। तो आपका डी-डी और ईएससी के वैल्यू पर डिपेंड करता है एफएससी। तो देखिए पहले बच्चों, अगर डी-डी का वैल्यू 0.05 है तो एफएससी का वैल्यू इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब मेगा पास्कल में बात करें तो 355 मेगा पास्कल होगा। अगर डी-डी का वैल्यू 0.1 है तो 353 मेगा पास्कल होगा। डी-डी का वैल्यू अगर 0.15 है तो 342 मेगा पास्कल होगा, और 0.2 होगा तो 329 मेगा पास्कल होगा। बट याद रखिएगा, ये जो वैल्यू काम करेगा वो किस पे काम करेगा, Fe 415 के लिए। ये जो डाटा हमने लिखा है वो किसके लिए लिखा है, Fe 415 के लिए। अगर आपका ग्रेड ऑफ स्टील कितना है, Fe 250 है, अगर Fe 250 है तो एफएससी का वैल्यू होगा 0.87 FY। अगर एफएससी का वैल्यू हम ईएससी के टर्म में बात करें तो स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ठीक है ना। चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए पहले बच्चों, ये 415 के लिए था, ये आपका 250 के लिए। तो Fe 500 के लिए हम आगे बता देंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। डबली रेनफोर्स्ड बीम के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में बात करें तो पहले बच्चों देखिए, ये आपका डबली रेनफोर्स्ड बीम है, ये इसका स्ट्रेन डायग्राम है। ये क्या हुआ, स्ट्रेन डायग्राम, और ये आपका हो गया स्ट्रेस डायग्राम, ये आपका हो गया स्ट्रेस डायग्राम, है ना। तो देखिए पहले बच्चों, स्ट्रेन डायग्राम में वही है, मैक्सिमम स्ट्रेन का वैल्यू 0.0035 इन कंप्रेशन जोन, इन टेंशन जोन में 0.87 FY / ES + 0.002। ये आपका हो गया एक्सयू मैक्स, तो ये आपका हो जाएगा D-XU max, क्योंकि इसका विड्थ बी है तो डेप्थ इसका कितना है, डी है ना। यहाँ पे एक नया टर्म आया पहले बच्चों, ईएससी क्या है, स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील। पहले बच्चों कंक्रीट का स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील को क्या बोलेंगे, ईएससी। अब यहाँ पे देखिए पहले बच्चों, हमने बता चुका कि डब्ल्यू रेनफोर्स बीम में C1 भी आएगा, C2 भी आएगा। यहाँ पे T जो है पहले बच्चों, T1 + T2 को जोड़ के आपने डायरेक्ट T लिख दिया है, ये है Z1, ये है Z2। पहले बच्चों C2 कहाँ पे लगेगा, तो C2 वहीं पे लगेगा जहां पे आपका कंप्रेशन स्टील था, जहां पे कंप्रेशन स्टील है वहीं पे C2 लगेगा। और C1 कहाँ पे लगता है, ये हम लोग सिंगल रेनफोर्स्ड बीम में पढ़ चुके हैं। तो चलिए पहले बच्चों, सबसे पहले हम बात करें मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का, मैक्सिमम
डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अगर हम बात करें मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का तो इसका मतलब एक्सट्रीम मैक्स। प्यारे बच्चों एक्सट्रीम मैक्स हम लोग कैसे निकालते थे, प्रॉपर्टी ऑफ सिंगलेट एंगल। तो देखिए प्यारे बच्चों वही तो डाटा है, 0.0035 जो फॉर्मूला एक्सयू मैक्स का सिंगली में आया था वही फॉर्मूला आपका डबली में भी आएगा। तो क्या फॉर्मूला था प्यारे बच्चों, एक्सयू मैक्स बराबर था 0.0035 बटे 0.87 f/es प्लस 0.0055। यही फॉर्मूला था या नहीं, यही फॉर्मूला था इनटू डी। यही फॉर्मूला था प्यारे बच्चों। और हम ये फॉर्मूला भी निकाले थे एक्सयू मैक्स बराबर 0.53 d फॉर Fe 250, 0.48 d Fe 415 और 0.46 d Fe 500। बताए थे या नहीं, एकदम बताए थे है ना, बताए थे ना प्यारे बच्चों। तो ये आपका निकल गया एक्सयू मैक्स। अगर एक्सयू मैक्स निकालने के लिए चाहिए तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, सिंगली हो या डबली हो, सिंगली हो या डबली हो, दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों अगर हम बात करें ESC का वैल्यू कैसे निकाले, ESC का वैल्यू देखिए निकालते हैं। स्ट्रेन ऑफ कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्पीड, एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन, मतलब ESC के बारे में बात करें, किसके बारे में, ESC। ये हेडिंग दे दीजिएगा प्यारे बच्चों, स्ट्रेन ऑफ कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ। तो देखिए प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। यहां से देखें तो ये आपका डी डैश है। तो ये आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए ये टोटल एक्सयू मैक्स है, तो ये आपका हो जाएगा एक्सयू मैक्स माइनस डी डैश। ये टोटल एक्सयू मैक्स है, ये आपका डी डैश है, तो एक्सयू मैक्स में अगर डी डैश घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं, 0.0035 बटे एक्सयू मैक्स बराबर ESC बटे एक्सयू मैक्स माइनस डी डैश। देखिए प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल हम क्या लिख सकते हैं, 0.0035 बटे एक्सयू मैक्स इज इक्वल टू ESC बटे एक्सयू मैक्स माइनस डी डैश। लिख सकते हैं कि नहीं, 0.0035 बटे एक्सयू मैक्स इज इक्वल टू ESC बटे एक्सयू मैक्स माइनस डी डैश। यहां से ESC का वैल्यू निकाल लीजिए प्यारे बच्चों, तो ESC का वैल्यू आपका आ जाएगा 0.0035, ये टर्म इधर आएगा, तो एक्सयू मैक्स माइनस डी डैश बटे एक्सयू। अगर हम इसको सॉल्व करें प्यारे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा ESC बराबर 0.0035 1 माइनस डी डैश बटे एक्सयू। तो प्यारे बच्चों ESC का फॉर्मूला हम यहां से निकाल सकते हैं, ESC का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो पहला जो ये आपका था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ डबली लेंथ फॉर बीम। हमने स्ट्रेन डायग्राम भी ड्रॉ किया, स्ट्रेस डायग्राम भी ड्रॉ किया, फिर हमने निकाला मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे, फिर हमने आपको बताया स्ट्रेन ऑफ कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ कॉम्प्रेशन स्ट्रेन, मतलब ESC का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का। किसका बात करेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का। उसके पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में।
तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि एक्सुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एसोसिएशन निकलता है कॉम्प्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। कॉम्प्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या है, दो टू है, C1 + C2 इज इक्वल टू टी, है ना। टी को T1 + T2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको लग रहा होगा सर T1 + T2 कर देते हैं हम, तो C1 का वैल्यू क्या था 0.36 FCKB × FCU + C2 का वैल्यू क्या था FSC − FCC, आप चाहिएगा तो FCC को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, × AC 0.87 FY AST1 + 0.87 FY AST2। पहले बच्चों 0.87 FY कॉमन ले लेंगे तो AST1 + AST2 होगा, और AST1 और AST2 मिलके क्या बन जाएगा, AST टोटल बन जाएगा। तो पहले बच्चों आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला से 0.36 FCK B × FU + FSC − FCC × AST = 0.87 FY AST, इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, एक्सयू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आप एक्सयू निकल जाएगा। एक्सयू निकल गया पहले बच्चों, मतलब क्या निकल गया हमारा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमने निकाल लिया। इसके मदद से हमको तो पता है कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है तो क्या करना होता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, कॉम्प्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स किए और हमने एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमने निकाल लिया, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने का, डब्ल्यू एन फोर में मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्या बात करेंगे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए पहले बच्चों मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस एम आर बराबर आपको लगाना होगा C1Z1 + C2Z2, कॉम्प्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर और कॉम्प्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर, यहाँ पे दो तो कॉम्प्रेसिव फोर्स होता था C1 C2, इसलिए C1Z1 + C2Z2। तो MR बराबर क्या होगा, C1 क्या होता था पहले 0.36 FCK B × FU max, Z1 आपने बताया था D − 0.42 FU max, D − 0.42 FU max + C2 आपका हो जाएगा FSC − FCC AST D − D′। पहले बच्चों ये फॉर्मूला बैलेंस सेक्शन एंड ओवर एनफोर्स सेक्शन में लगाइएगा, इसमें लगाइएगा क्यों, ओवर एनफोर्स सेक्शन में पहले हमने बोला था कि एक्सयू मैक्स कब लगाते हैं, ओवर एनफोर्स सेक्शन में एक्सयू मैक्स यूज करेंगे। अगर बात रहा अंडर एनफोर्स का तो 0.36 FCK B एक्सयू मैक्स सिर्फ एक्सयू कर दीजिएगा, एक्सयू मैक्स को क्या कर दीजिएगा एक्सयू, D − 0.42 FU + FSC − FCC × AST D − D′। ये फॉर्मूला फिर बच्चों अप्लाई कीजिएगा अंडर एनफोर्स सेक्शन के लिए। तो बात यह होता है, आपका सवाल होगा कि सर हमेशा आप कॉम्प्रेसिव फोर्स से क्यों निकाल रहे हैं, टेंसाइल फोर्स से क्यों नहीं निकाल रहे हैं। देखिए पहले बच्चों टेंसाइल फोर्स से क्यों नहीं निकाल रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए पहले बच्चों अगर हम टेंसाइल फोर्स से निकालने के लिए जाए तो क्या लिखेंगे, T × Z लिख देंगे। टी कितना पहले बच्चों 0.87 FY ST है या नहीं, अब देखिए डायग्राम हम बना रहे हैं, ये आपका टी लग रहा था, ये आपका सीवन सॉरी
ये आपका C1 लग रहा था, ये आपका C2 लग रहा था, ये आपका Z1 हो रहा था और ये आपका Z2 हो रहा था। बात ये उठता है पहले बच्चों, जब हम टेंसाइल फोर्स से लेंगे T × Z करेंगे तो Z का वैल्यू कौन सा लेंगे, Z1 लेंगे या Z2 लेंगे, फिर आपको निकालना पड़ेगा, अलग से निकालना होगा क्या Z का वैल्यू, तो बहुत ही टफ हो जाता है टेंसाइल फोर्स में। इसलिए याद रखिएगा कि हमको अगर W फोर्स बीम का निकालना होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो हमेशा हम कॉम्प्रेसिव फोर्स से ही लेंगे, इससे लेंगे कॉम्प्रेसिव फोर्स से ही लेंगे। कॉम्प्रेसिव फोर्स में याद रखना है कि अगर बैलेंस सेक्शन या ओवर एनफोर्स सेक्शन हो तो हम लोग एक्सयू मैक्स यूज करेंगे, और अंडर एनफोर्स सेक्शन होगा तो एक्सयू यूज करेंगे, जैसा कि हम लोग सिंगली एनफोर्स बीम में यूज करते थे। कोई दिक्कत क्या कर पाए बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम यहां तक नहीं ना, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चले पहले बच्चों एक क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए बीम। बीम बना लेते हैं फिगर, एक ऐसा बीम है पहले बच्चों, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा बना लेंगे। एक ऐसा बीम है, एक ऐसा बीम है जो 25 सेंटीमीटर वाइड है, 25 सेंटीमीटर का नहीं मतलब क्या 250 mm वाइड है एंड बाय 50 सेंटीमीटर डीप। इफेक्टिव वर्ड नहीं लगाया तो हम टोटल समझ लेंगे, टोटल डेप्थ कितना है 500 mm, 50 सेंटीमीटर 500 mm। इफ इट इज रेनफोर्स्ड विथ 2 12 mm बारिक कंप्रेशन जो, पहले बच्चों हम ये मान लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस है, ऊपर कंप्रेशन जोन में दो बार है 12 mm का, 2 बार 12 mm इन कंप्रेशन जोन है, 4 बार इन 20 mm, 5 इन टेंशन जोन। टेंशन जोन में 1 2 3 4 बार है, जो 4 वो है और कितना है 20 mm का है। इच एंड इफेक्टिव कवर, दोनों तरफ जो इफेक्टिव कवर जो है वो आपका कितना है 40 mm, ऊपर भी इफेक्टिव कवर कितना है 40 mm, है ना। बोल रहा है बच्चों एज्यूम कर लेना है FCK का वैल्यू आपका है 15 N/mm², क्यों, क्योंकि आपका M 15 दिया हुआ है और FE 250 दिया हुआ है, FMI का वैल्यू 250। निकालने के लिए बोल रहा है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। पहले बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो साफ जगह गया कि W रेनफोर्स बीम का है, क्योंकि कॉम्प्रेशन जोन में भी छड़ है और टेंशन जोन में भी छड़ है। तो पहले बच्चों कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे MR निकालने के लिए, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि एक में XU मैक्स लगा हुआ होता है, एक में XU लगा हुआ होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, उसके लिए चेक करना होगा आपको एक्चुअल एंड मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, है ना एक्चुअल। चलिए पहले बच्चों पहले इसको नोट डाउन कीजिए, तो देखिये बच्चों एक्चुअल डेप्थ, सर पहले हम मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाले, तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा 0.53D। क्यों 0.53D पे बच्चों, क्योंकि आपका कौन सा है FE 250 है, FE 250 में एक्चुअल कितना होता है 0.53D, तो 0.53 इफेक्टिव डेप्थ नहीं दिया हुआ, 500 mm दिया हुआ, क्या टोटल डेप्थ में ये 40 mm घटा देते हैं तो डी बराबर हो जाएगा 500 - 40, तो कितना हो जाएगा 460 mm, तो डी का वैल्यू कितना है 400। पहले बच्चों इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना रहा है, तो एक्सयू मैक्स का वैल्यू आ जाएगा आपको 243.8 mm, 243.8 mm। चलिए हमने एक्सयू मैक्स हमने निकाल लिया, चलिए पहले बच्चों हम लोग एक्सयू निकालने चलते हैं, तो एक्सयू निकालने के लिए क्या चाहिए, C1 + C2 = T, C1 का फॉर्मूला 0.36 FCK B × XU + FSC − FCC × ASC = 0.87 FY × ASC, यही फॉर्मूला था ना। तो चलिए हम पुट करते हैं 0.36, FCK का वैल्यू 15, B का वैल्यू 250 mm, XU तो हमको निकालना है, प्लस FSC, देखिए 250 है,
कितना एफियर हाई सो, एफियर हाई सो के लिए हम बोल चुके थे एफएससी का वैल्यू या 0. एफएससी का वैल्यू हमने बताया था 0.87 MY, इसमें एफई 250 में, तो एफई 250 है तो डायरेक्ट हम लोग रख देंगे 0.87 और एफवाई का वैल्यू है, एफवाई का वैल्यू है 800। पहले बच्चों एफसीसी का भी वैल्यू हमने बताया था 0.44 एफसीके या 0.45 एफसीके, एफसीके है कितना 15। एरिया ऑफ स्क्रीन कॉम्प्रेशन जो कितना के बच्चों दो बार आए 12 mm का है, तो दो बार इंटू पाई बाई 4 × 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको बराबर कर दीजिए 0.87, एफ वाई का वैल्यू 250, एरिया ऑफ स्क्रीन इंटेंशन जो है 4 बार है 20 mm का है, 4 बार पाई बाई 4 × 24 का 20 का होल स्क्वायर। पहले तो इसको कैलकुलेट कीजिए और एक्सयू का वैल्यू आप लोग निकालिए, एक्सयू का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कीजिए पहले बच्चों। तो यहां से आपको एक्सयू का जो वैल्यू आने वाला है 167.04 mm। पहले बच्चों ये देखिए एक्सयू मैक्स से कम है या नहीं, एक्सयू मैक्स आपका आया था 243.8, तो देखिए तो एक्सयू मैक्स से कम है, एक्सयू मैक्स से जैसे ही कम हो गया तो क्या हो जाएगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन, कौन सा सेक्शन अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन वाला एमआर का फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा 0.36 एफसीके बी, अंडर में सिर्फ एक्सयू लगता है ना, एक्सयू इनटू डी माइनस 0.42 एक्सयू प्लस एफएससी एफसीसी इनटू एएससी डी माइनस डी डैश। चलिए हम फॉर्मूला पुट करते जाते 0.36 एफसी के 15, बी का वैल्यू 250, एक्सयू का वैल्यू 167.04, डी का वैल्यू 460, 0.42 एक्सयू का वैल्यू 167.04 प्लस एफएससी का वैल्यू हमको पता है 0.87 × 250, यहां पे लिख देते हैं पहले बच्चों, यहां पे प्लस के बाद यहां पे लिख देते हैं 0.87 × 250 माइनस 0.45 × FCK, एरिया फर्स्ट स्टील दो वो था 5/4 × 12 का होल स्क्वायर, डी का वैल्यू 460 माइनस 40 जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा पहले बच्चों, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ऐसे इसका आंसर आएगा 107.93 kN/m, 107.93 kN/m। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपके नोमिकल आएंगे, अगर आपके डब्ल्यू रेनफोर्स बीम में अगर आपको निकालने के लिए मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस देता है तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा ओवर है या अंडर है या बैलेंस है, उसको चेक करने के लिए आपको एक्सयू मैक्स निकालना होगा फिर एक्सयू निकालना होगा, और एक्सयू और एक्सयू मैक्स को कंपेयर करके हम पता कर लेंगे कि अंडर है या ओवर है, अंडर ओवर पता करने के बाद एमआर का फॉर्मूला वही लगाएंगे जो कि अंडर में लगता है या ओवर में लगता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पहले बच्चों डिजाइन कैसे करते हैं, डिजाइन ऑफ डब्ल्यू रेनफोर्स बीम। चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट डाउन कीजिए, समझ में आ रहा है या ऊपर से पार होने लगता है, बोलिए समझ में आता है जी, ये आरसीसी है, आरसीसी आ रहा है ना, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो प्यारे बच्चों जल्द से जल्द कॉल करें 8521362288, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, ये हमारा कॉल नंबर भी है, जल्द से कॉल करें, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है, एक्चुअली बहुत ही आसान है, आप प्रैक्टिस कीजिए तो सही, प्रैक्टिस तो करना स्टार्ट कीजिए, लेकिन बहुत ही आसान है टॉपिक, है ना। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं डिजाइन ऑफ डब्ल्यू रेनफोर्स बीम के साथ, चलिए।